दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम, गवर्नर फ्लोर टेस्ट कराने का ले सकते हैं फैसला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे की सेना को राहत मिलने के बाद अब फ्लोर टेस्ट कराने की चर्चा काफी तेज हो गई है। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार के लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खुद संज्ञान लेते हुए फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। खबर है कि शिंदे की सेना के बिना ही बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सीधे राज्यपाल से संपर्क नहीं करेगी। संभावना है कि महाराष्ट्र से किसी छोटी पार्टी का कोई सदस्य फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए राज्यपाल से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद मौजूदा एमबीए सरकार गिर जाएगी। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, दिल्ली रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उधर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि आज खुद राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाने का फॉर्मूला कर लिया तय। शिंदे कैंप को दिए जाएंगे भारी भरकम मंत्रालय। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन का फॉर्मूला अब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 18 कैबिनेट मंत्री, 10 राज्य मंत्री समेत 28 मंत्री होंगे। वहीं शिंदे कैंप से 6 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूरत में 4 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे। शिंदे कैंप को डिप्टी सीएम के साथ साथ भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में रहे सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हुआ है, उसके अनुसार हर 6 विधायकों पर एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मूला हर समय लागू नहीं होगा, आगे इसमें संशोधन होते रहेंगे। लेकिन जो कुल मिलाकर फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें 6 विधायकों पर एक कैबिनेट राज्य मंत्री देने के स्थिति में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी रहेगी, क्योंकि बीजेपी के 106 विधायक हैं, जिसके कारण बीजेपी के पास में 28 मंत्री पद आएंगे। जहां तक बागी गुट की बात है, शिंदे कैंप के पास में इस वक्त 40 एमएलए हैं। ऐसे में उनके पास में 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो सूरत में 4 मंत्री पद खाली रखे जाएंगे, जिसका मतलब है कि 2 मंत्री पद बीजेपी कोटे से और 2 बागी गुट से रिक्त रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि बागी गुट के पास में 10 मंत्री पद रह सकते हैं और बीजेपी के पास में 26 मंत्री पद रह सकते हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है। और ये बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर बीजेपी ने बनाई खास रणनीति, सभी विधायकों को मुंबई में रहने का दिया आदेश। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि बगावत का सामना कर रही शिवसेना के नेतृत्व वाली उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों ने साफ कर दिया है कि ये प्रस्ताव बीजेपी नहीं लाएगी। छोटी पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अगाड़ी सरकार गिर जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ऐसी स्थिति में शिंदे गुट के साथ में सरकार बना सकती है। पार्टी ने सभी बीजेपी विधायकों को मुंबई में रहने के आदेश दिए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राज्यपाल भी मौजूदा स्थिति पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। राज्यपाल को लगता है कि सरकार अब बहुमत खो चुकी है, तो राज्यपाल खुद भी डिप्टी स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं कि एक तय समय सीमा के अंदर बहुमत परीक्षण कराया जाए। और ये बड़ी खबर, शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बोला गया बड़ा हमला। कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा किया गया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। सामना में कहा गया है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने का फैसला किया है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। सामना में कहा गया है कि जो बीजेपी लगातार महाराष्ट्र पर हमला कर रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से
मार्गदर्शन लेकर ये लोग उत्साह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को गिराने का धंधा निश्चित तौर पर कौन कर रहा है? इस साजिश का खुलासा हो जाने के बाद भी ये लोग उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। सामना में कहा गया है कि उस पर भी शिवसेना और सरकार के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को ईडी की फांस में फंसा कर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सामना में साफ तौर पर कहा गया है कि महाराष्ट्र के टुकड़े करने वालों के हम टुकड़े कर देंगे। अगली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे गुट को लग सकता है बड़ा झटका, आदित्य ठाकरे ने कर दिया बड़ा दावा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट का फिलहाल कोई भी अंत दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र में मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के विधायकों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में बैठे कई विधायक अब हमारे संपर्क में हैं, हमारे दरवाजे सभी विधायकों के लिए खुले हैं। सोमवार की रात में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में लोगों के दो समूह हैं, 15 से 16 लोगों का एक समूह है जो हमारे संपर्क में है और दूसरा समूह है जो हमसे भाग रहा है। इस समूह में हमारा सामना करने का साहस और नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने पूरी साजिश तब रची जब मुख्यमंत्री 2400 घंटे काम करने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं अब भी उन विधायकों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग वापस आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए अभी भी खुले हैं। उन्होंने शिंदे गुट के विधायकों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर विद्रोह करने वाले सचमुच साहसी हैं तो वो इस्तीफा दें और हमारे सामने खड़े होने का साहस रखें। अगली बड़ी खबर है, अल्पमत में आने के बाद उद्धव सरकार ले रही अंधाधुंध फैसले, विपक्ष की शिकायत पर राज्यपाल ने मांगी जानकारी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विपक्ष की शिकायत पर उद्धव सरकार को चिट्ठी लिखकर 22 से 24 जून तक मंजूर की गई फाइलों व आदेशों की जानकारी मांगी है। राज्यपाल की ओर से ये चिट्ठी विपक्षी नेता प्रवीण दारेकर की शिकायत के बाद लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी में आदेश पास किए हैं। विपक्ष की शिकायत के अनुसार महाविकास आघाड़ी सरकार की सरकार में सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों में 22 से 24 जून तक अलग अलग विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके बाद राज्यपाल के दफ्तर ने इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि जब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने की कगार पर आई तो अंधाधुंध विकास के कार्य याद आ गए, जिससे कि कई विकास योजनाओं को पास कर दिया गया। आपको बता दें कि अब इसको लेकर राज्यपाल ने इस संबंध में जानकारी मांगी है। और बड़ी खबर, भाजपा की बड़ी बैठक में हुआ बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे ही हैं शिवसेना विधायक दल के नेता। ये आपको बता दें कि शिवसेना की बगावत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता अचानक से सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हमने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और इस पर हमारी पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की निगाह में एकनाथ शिंदे ही शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। शिंदे गुट की तरफ से भाजपा को अभी तक सरकार बनाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए पार्टी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे राजनीतिक हालात पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। आपको बता दें कि वहीं मुनगंटीवार ने कि एकनाथ शिंदे 24 कैरेट खरे शिवसैनिक हैं, भाजपा उन्हें व उनके सहयोगी विधायकों को बागी नहीं मानती है। वो दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के हिंदुत्व के मूल विचार के साथ हैं, उनके पास 2/3 बहुमत है। ऐसे में वे बागी कैसे हुए, उन्हें बागी कहना उचित नहीं होगा। और बड़ी खबर, बागी विधायकों पर आदित्य ठाकरे ने बोला बड़ा हमला, कहा अच्छा हुआ कि शिवसेना से गंदगी चली गई, हमारी सरकार रहेगी बरकरार। ये आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना ने दावा कर दिया है कि विद्रोही खेमे ने कुछ विधायकों का अपहरण कर लिया है या फिर उन्हें जबरन ले जाया गया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी हालात बंदियों जैसी है, पहले सूरत में और फिर गुवाहाटी में। ठाणे से शिवसेना के नेता शिंदे का नाम लिए बिना उनकी आलोचना करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुछ नेताओं पर आंख मूंद कर भरोसा किया गया और दुखद बात यह है कि ऐसे लोगों को संगठन में लगातार पदोन्नत भी किया गया। उन्होंने कहा कि विधायकों का पार्टी छोड़ना मानसून की शुरुआत से पहले नाले और कचरे की सफाई करने जैसा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अच्छा हुआ कि शिवसेना से गंदगी चली गई, हमारी सरकार बरकरार रहेगी। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बागी विधायकों के खिलाफ एक बार फिर से दिया विवादित बयान। आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बागी विधायकों पर विवादित बयान दिया।
दिया है। अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले संजय राउत ने एक बार फिर से बिना नाम लिए शिवसेना के बागी विधायकों के लिए आपत्तिजनक ट्वीट किया। संजय राउत ने कहा कि जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति, सिंधे गुट ने 5 जुलाई तक बढ़ाई गुवाहाटी के होटल की बुकिंग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उफान के बीच गुवाहाटी में एकनाथ सिंधे गुट के विधायकों की होटल की बुकिंग अब 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। उसके मुताबिक अगर एकनाथ सिंधे गुट के विधायक बहुमत परीक्षण के दौरान सदन में नहीं भी मौजूद होते हैं तब भी बीजेपी आसानी से बहुमत साबित कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके पास में कम से कम 128 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि महाविकास अगाड़ी के पास में मात्र 116 विधायक ही मौजूद हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तब भी मुंबई पहुंच सकते हैं जब एक बार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए। ऐसा होने से अलग गुट को मान्यता, किसी पार्टी में विलय जैसे तमाम सवालों का फिलहाल कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये अदालत और चुनाव आयोग तय करता रहेगा, लेकिन तब तक प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में स्थापित हो चुकी होगी। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की होटल की बुकिंग अब 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में भी टीएमसी सरकार का भी होगा यही हाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के कई विधायकों के विद्रोह के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार का भी यही हाल होगा और वो अपना कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले गिर जाएगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के बाद गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड और राजस्थान का नंबर है, जिसके बाद बंगाल का नंबर आएगा। और ये बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना की निंदा करते हुए कहा कि इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो अग्निपथ योजना के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बहुत दुखद है कि 17 साल का एक बच्चा फौज में जाएगा और 21 साल में पूर्व फौजी बन जाएगा। इस उम्र में तो उसकी शादी भी नहीं हुई होगी। वो फौज से बाहर आने के बाद कैंटीन से सामान लेने की सुविधाएं भी नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा कि युवा कड़ी मेहनत करने के बाद फौज में भर्ती होते हैं और करीब 35 साल की आयु तक नौकरी करते हैं, जबकि नई योजना के तहत उन्हें इतनी ही मेहनत के बाद महज 4 साल के बाद ही फौज से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एकमत होना चाहिए, सर्वसम्मति से विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। हालांकि भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने इसका विरोध किया और उन्होंने साफ कहा कि यह योजना युवाओं के हित में है। आपका क्या मानना है, क्या अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है अथवा युवाओं के खिलाफ है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।